और आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहा है मेथी का पराठा। तो मेथी का साग काट करके धो करके रख दिया है पानी निकालने के लिए, और आटा और बेसन ले लिया। काफी टाइम लगा, आरिस जब से गया तब से मेथी के साग को ही काट रहे हैं। एक पत्ता अलग किया, काटा, धोया, काफी 1 घंटा लग गया इसमें। और बस अदरक भी इधर ग्राइंड करके रख लिया है। तो फटाक से जल्दी से सारे कुछ को डाल करके हींग जीरा आटे को गूंथते हैं और 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ते हैं, और फिर पराठा बनाते हैं गरम गरम। नाश्ते में मेथी का पराठा। सुबह सुबह कपड़ा सब छत पे ला करके डाल दिया था, रात में वॉशिंग मशीन में ही रहने दिया था, भूल गया था डालना। तो सुबह सुबह 8 बजे कपड़ा सब ला के डाल दिया था, तो सारा कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सूख गया है क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है कड़ी, और हवा बिल्कुल आज चल नहीं रही है। तो और इसका यूनिफॉर्म भी सूख गया है और मेरा कपड़ा भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी आज छत पर आए थे अभी कपड़ा लेने के लिए। सुबह में उठा था ना तो रात में भूल गए थे धोना, हालांकि वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। और उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो काफ़ी देर के बाद लाइट आई और एक एक 7-8 बजे तक कपड़ा धुला। फिर ठंडे में दिल नहीं किया कि ठंडा ठंडा कपड़ा उठा करके डालें, तो बस रहने दिया था वॉशिंग मशीन में ही। और सुबह उठने के साथ ही सबसे पहला काम किया कि छत पे आकर के कपड़ा डाल दिया था, बस एकदम सारा कपड़ा अच्छे से सूख गया। तो बस अभी फ़िलहाल कपड़े को नीचे ले जाते हैं और आरिस के यूनिफॉर्म पर प्रेस करेंगे। और बस अभी फ़िलहाल 1 बज रहा है, और वही है कि आज आरिस स्कूल गया था तो जल्दी उठा है, तो सारा काम भी मेरा जल्दी हो गया, नमाज वमाज सब पढ़ लिया। और बस फ़िलहाल अभी तो कुछ नहीं, अब जाएंगे थोड़ी देर के बाद फिर खाना खाएंगे। और अभी कोई ऑर्डर आया है, कोई पार्सल आया है, तो बस जा रहे हैं नीचे लिखने के लिए। हालांकि आरिस आ गया लेकिन अभी नहा रहा है, बस अभी जा रहे हैं ले लिया पार्सल। देखे इसमें क्या है, अपना सॉक्स मंगाया था, लग रहा है कि वही है क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल लग रहा है, छोटा सा पैकेट है तो मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया है, अमेजोन से नहीं मंगाया था, इस बार फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो देखते हैं खोल के कैसा है। और यही वाला सॉक्स मंगाया है, तो कितना पेयर है, 1, 2, 3 और 4 पेयर है, तो सही है लेकिन उतना ज़्यादा मोटा नहीं है। हालांकि हमको लगा था कि थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा, उलन है तो वैसे उलन ही, लेकिन उतना मोटा नहीं है जितना अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो पहने हुए हैं ये सब, ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा मोटा है। और ये नेट पे कुछ 500 या 600 का था, लेकिन 75% डिस्काउंट दे रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो ये कितना, 4 सॉक्स हमको 200 में मिल गया, मतलब पर 50 रुपीज़ का। तो खैर दाम भी सही था और है भी सही, कलर भी ठीक ठाक है, ये कलर भी सही है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और बस आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ये वाली विंडो पापा की रूम वाली, ये वाले खोल दिया है, तो काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, उनके बेड पर भी बहुत अच्छी सी धूप आ रही है। तो काफ़ी देर पहले खोला था, करीब 10:30 बजे, 10-10:30 में सुबह में खोल दिया था, और अभी फ़िलहाल 2 बज रहा है, तो अच्छी सी 2 बजे तक बिल्कुल धूप आ रही है, मतलब आती रहती है 4 बजे तक, 5 बजे तक, जब तक धूप रहेगी पापा की इस रूम में धूप आती है। लेकिन फिर भी खाना खा करके मतलब बंद कर देंगे, तब तक रूम अच्छा खासा इनका गर्म हो जाता है, धूप आ रही है ना बेड पर, तो इससे ये होता है कि सब कुछ अच्छे से गर्म हो जाता है, जो ठंडा ठंडा लगता है। और वैसे भी आज का वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, हवा बिल्कुल नहीं है, तो कड़ी धूप है। और फिलहाल अभी 2 बज रहा है, तो अब आज जुमा है, तो सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और पापा गए हुए नमाज पढ़ने के लिए, तो अभी तक आए नहीं है, अब 2 बज रहा, अब आते ही होंगे। और आरिस तो बस स्कूल गया हुआ है, तो वो बस वही 2:30-3 के बीच में आएगा। और अभी हम लोग के बगल में सेम दे करके गए हैं, उनके घर में सेम का लत है, तो इतना सारा सेम हम लोग को ला करके दिए और
इतना सारे सेम का क्या करेंगे हम लोग, दो थोड़ा थोड़ा खाने वाले सब्जी, खैर हम लोग तो जरा जरा खाते हैं, आरिस तो खाता भी नहीं है, बस पापा ही खाते हैं, और इतना सारा सेम ला करके दे दिए, और अब देखते हैं नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा नीचे सामा को देंगे या फिर बगल में और किसी किसी को दे देंगे, क्योंकि इतना सारा सेम है, इतना सारा सेम तो हम लोग खाएंगे नहीं। और अभी फिलहाल 5 बज रहा है, शाम हो गई है, चलते हैं बाहर, और अभी भी धूप निकली हुई है, पूरी रोशनी है, इतना दिन बड़ा हो गया है, 5 5 और 5 क्या 5 10 हो रहा है, और अभी भी पूरी धूप निकली हुई है, अच्छी खासी रोशनी, अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि गर्मी आ रही है, मतलब उस टाइप का माहौल हो रहा है, पहले वरना 5 5:30 बजते बजते तो सब लोग एकदम अंदर चला जाता था, बिल्कुल एकदम अंधेरा सा हो जाता था, फॉग की तरह रहता था, और अब लोग सब भी काफ़ी रोड पर सब लोग नज़र आ रहे हैं इधर उधर, और वो है कि अब थोड़ी सी रोशनी भी है, और एकदम बाहर में निकला है तो बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा सा लग रहा है, और आरिस भी स्कूल से आकर के खेलने चला गया है, कहाँ पर है नज़र नहीं आ रहा, इधर तो नहीं खेल रहा है, या पता नहीं साइकिल चला रहा है, दिख तो नहीं रहा है। क्या कर रहे हो आरिस, क्या है तुम्हारे पास हाथ में? कंचा कहाँ से आया तुम्हारे पास? देखे देखे देखे, छी छी गंदा रखो, ये कहाँ से लाए तुम? नहीं तो मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं ये आया कहाँ से कंचा? रोड पे। रोड पे? तो रोड पे से कंचा मिला तुमको? कितना सारा मिला कंचा? एक ही कंचा मिला, उसी से खेल रहे हो? कंचा खेलना आता है? कैसे खेला जाता है देखे हो खेलते हुए? हाँ नहीं, और कल स्कूल जाना है? कल स्कूल जाना है? अच्छा कल तो स्कूल बंद है, कल इतने दिन के बाद सोएंगे, और इसको कल स्कूल सैटरडे तो बंद है, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिली है, तो अब 2 दिन आराम से सोएंगे, रोज सुबह 6 बजे उठ रहे थे ठंडे में, और खैर अब तो आज से मौसम कुछ चेंज हो गया है, तो आज सुबह में भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं था, आज तो 10 डिग्री था बहुत दिन के बाद, वरना हमेशा 6 डिग्री 7 डिग्री सुबह में रहता था, फिर तो वापस ठीक हो जाता था 9 बजते बजते, लेकिन जब हम उठते थे उस टाइम काफी ठंड रहती थी, लेकिन आज ठीक था, और खैर 2 दिन फिर अब आराम से उठेंगे, जाओ जाके पढ़ाई करो, क्यों दीवार पे क्रीम लगा रहे हो फालतू का, जाओ। क्या चाहिए? किसको? दीवार को? दीवार को मालिश चाहिए तो तुम उसको मालिश कर रहे हो? अच्छा जाओ जाओ पढ़ाई करो, इसका भी अभी एग्जाम होने वाला है, जाओ, आज तो सर आए नहीं, सर छुट्टी दे दिए हैं, तो जाओ खुद से ही पढ़ो। और बस अभी फिलहाल 9 बज गए और जा रहे हैं बारिश के लिए खाना बनाने के लिए, इधर बैठा हुआ हल्ला कर रहा है, भूख लग रही है, भूख लग रही है 8:30 से ही, ठीक है खाना देंगे, लेकिन एक गेम खेलना पड़ेगा मेरे साथ, बोलो मंजूर है? ठीक है, अगर जीते तो हम अभी चले जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे? नहीं, इसमें ये है कि देखो हम तुमको देखेंगे तुम हमको देखना, जिसका पहले पलक झपकेगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे खड़े हो, देखते हैं कौन जीतता है। आंख वाक ये वे करके एकदम आया है खोल उल के कि नहीं हो रेडी? चलो रेडी अब, चलो ठीक है रेडी, हाँ। जिसका पहले पलक झपकेगा वो आउट होगा, तू ऐसे नहीं छोटा आंख नहीं कर रहा, मत करो आरिस तुम आउट हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे में नहीं, ऐसे ऐसे कोई भी कर सकता है, वैसे आप करोगे तो फिर नहीं होगा, नहीं तुम ये बेमानी कर रहा है, गलत है ये, अपने आंख को ऐसे छोटा सा कर ले रहा है कि पता ही नहीं चले कि किसका क्या हुआ है, ये फिर गलत है, जाओ तुम आउट हो, तुम हार गए, नहीं अच्छा ठीक है चलो 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 फिर से आओ, आ जाओ देखते हैं अब किसका आता है, लेकिन वैसे नहीं करना, एकदम आंख खोले रखना है, सही है? चलो आंख एकदम खोले रखना है ठीक से, ठीक है? खोले रखो, खोले रखो, और इसका चेहरा देखे बंद हो रहा है, मेरा भी आंख में पानी आ गया बिल्कुल एकदम, और उसकी आंख में भी बंद हो रहा है आंख, ये तो बंद ही हो गया, फिर झपकना क्या है, पूरा बंद ही हो गया तुम्हारा, मर गया, आउट 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 आंख हो गया तुम्हारा, चलो आरिस हार गया, मेरी आंख में भी पानी आ रहा था, आरिस हार गया, चलो क्या खाओगे खाना, अभी बताओ जा रहे खाना बनाने, क्या खाओगे बताओ? आलू बड़ी रोटी, आज भी आलू बड़ी रोटी, आलू बड़ी रोटी, आलू बड़ी रोटी खाओगे आरिस? आलू बड़ी रोटी दी, ठीक है चलो जाओ, तुम जब तक पढ़ाई करो, नहीं मत खोलो उसको, उसमें कुछ नहीं है, खोलोगे मत उसको, रहने दो, चलो हम जा रहे खाना बनाने और तुम जब तक पढ़ाई करो। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो बस इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए,
और मिलेंगे कल आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।